बोलो 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 पकड़ के। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बस आप बुलंदा खड़े। आज हम आपको एक ख़ास किस्म का कुत्ता है उसके बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करेंगे। इस कुत्ते को, इसका जो मखसूस नाम होता है उसे कहते हैं अल फैशन, और शेफर्ड का ये क्रॉस है, जर्मन शेफर्ड का। एक नहायत ही अहम और एक ख़ास किस्म के कुत्तों की किस्म में से एक किस्म है जो कि हमारे इस इलाके में बहुत कम पाया जाता है। अपनी जगह ठीक है और जर्मन शेफर्ड उससे अच्छा है। बिल्कुल। तो आज हम कुछ मालूमात है जो आपसे शेयर करना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि यह कुत्ता रखवाली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है, और जहाँ पर यह कुत्ता जिस दोस्त ने इस कुत्ते को अपने घर रखा होता रखवाली के लिए, उसको बहुत चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं इसकी जो मस्कन होता है जहाँ पर इसको रखा जाता है, तो वो जो जगह होती है बहुत उसका साफ़ होना ज़रूरी है, और उसके साथ जब गर्मियों का मौसम आता है तो कूलर का भी बंदोबस्त किया जाता है। इसके अलावा जो इसकी खुराक होती है, खुराक में ये गोश्त खाना पसंद करता है और रोटी वगैरह खाना पसंद करता है, और ख़ास कर जब रोटी के ऊपर हम कोई सालन वगैरह लगा के इसको देते हैं तो उसको बड़े ही अच्छे तरीके से खुशी खुशी खाना पसंद करता है। इसके अलावा दूध पीना ये बहुत पसंद करता है, और किलो से 2 किलो दूध जो डेली पी जाता है, और ये इसकी मरगूब गिज़ाओं में से एक है। दूसरी जो होती है, हम इसकी सफाई की तरफ आते हैं। जहाँ पर यह रहता है उसको डेली बेसिस पे साफ़ करना पड़ता है ताकि वहाँ पर गंदगी वगैरह बिल्कुल ना फैले, और ये सफाई पसंद कुत्ता है। और दूसरी बात, इसको जब हम नहलाते हैं, बस बन गए। मेहरबानी यार, मेहरबानी।